रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इस समय राष्ट्रपति भवन चर्चा में है। लुटियंस दिल्ली के सबसे शानदार इमारत की बात ही कुछ और है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विस्तार की यह इमारत गवाह रही है। राष्ट्रपति भवन परिसर में संग्रहालय, उद्यान, समारोह कक्ष, कर्मचारियों और अंगरक्षकों के लिए अलग से जगह भी निर्धारित है। आजादी से पहले इसे वायसराय हाउस भी कहा जाता था, लेकिन अब ये भारतीय जनतंत्र की सबसे शानदार इमारत है। राष्ट्रपति भवन से जुड़ी खास बातें -1- राष्ट्रपति भवन इटली के कर्नल पैलेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। इस इमारत को बनाने में पूरे 17 साल लगे थे। इसको 1912 में बनाना शुरू किया गया था और 1929 में इसे ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। इसको बनाने में 29,000 मजदूर और कर्मचारी लगे थे। -इस इमारत में 300 कमरे हैं। शुरू में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहीं पर रुकते थे। -3 इसमें अभी 750 कर्मचारी काम करते हैं। 50 रसोई नियुक्त किए गए हैं, जो दुनिया भर के पकवान बनाने में महारत रखते हैं। -4 इस इमारत को बनाने के लिए मालच गांवों के रायसीनी परिवार के लोगों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी। ये गांव पहाड़ी पर था, तभी से इसे रायसीना हिल्स कहा जाता है। इसको बनाने के लिए उस समय के वास्तुकार सर इडियन लैंडसी लुटियन की सेवाएं ली गई थी, जिन्होंने इस इमारत का नक्शा तैयार किया था। -5 आजादी से पहले वायसराय यही रहते थे। -6 राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन को हर साल फरवरी में आम जनता के लिए खोला जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। -7 राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में 104 मेहमान एक साथ बैठ सकते हैं। इसमें विशेष तरह की प्रकाश व्यवस्था की गई है। इस कक्ष में पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें लगी हैं। राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए 2 दीर्घाएं बनाई गई हैं। 9- हर शनिवार को सुबह 10 बजे आधे घंटे तक चेजॉफ गार्ड समारोह होता है। इसे देखने के लिए सिर्फ अपना फोटो पहचान पत्र दिखाना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।